श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा खास उपाय लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज प्रदोष काल त्रयोदशी है, आज प्रदोष काल का दिन है, और आज के दिन पे कोई भी अगर आप उपाय करते हैं, बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही संजोग और बहुत ही वर्षों के बाद ऐसा संजोग बना है जो कि आप किसी भी उपाय को अगर कर लेते तो आपके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके घर में अगर धन की कमी है, व्यापार सही नहीं चलता, आपके शरीर पे कोई बाधा है, आपकी घर में वास्तु दोष है, काली शक्तियों का वास है, या नज़र दोष है, या कोई तंत्र मंत्र कर देता है, या आपके दुकान को व्यापार को बांध देता है, या आपकी नौकरी लगते लगते छूट जाती है, आपका कोई भी कार्य अटक जाता है, एकदम काम में हाथ लगाते एकदम वो कार्य बन नहीं पाता, बनते बनते एकदम ही ऐसा होता है कि अड़चन आ जाती है और रुक जाता है, या आपके घर में धन तो बहुत आता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन धन आने के बाद भी उसमें बरकत नहीं हो पाती। तो आज ऐसे ही कुछ खास उपाय बताऊंगी प्रदोष काल के दिन आपने करना क्या है कि आपके घर में धन लक्ष्मी माता आपसे खुश हो जाएंगी और आपके घर में धन आने लगेगा और धन के आगमन सारे खुल जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ प्रदोष काल का उपाय है। खास उपाय क्या है आज आपको बताती हूँ। उपाय बताने से पहले ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, जिन्होंने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों में, फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सअप पे या जो भी आपकी आईडी है वहाँ पे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कुछ खास उपाय प्रदोष काल का क्या है कि आपने करना क्या है कि संध्या काल पे जैसे कि होता है सूर्य अस्त के पहले 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद प्रदोष काल शुरू हो जाता है। प्रदोष काल के टाइम पे आपने करना कि आपकी कोई भी मन की इच्छा है, आपके घर में जैसे कि आपकी नौकरी लगती नहीं है, लगती है या छूट जाती है, या आपका व्यापार चलते चलते थोड़ा सा बंद हो जाता है या चलता है फिर रुक जाता है, फिर या तो उसमें तरक्की ऐसी अच्छी नहीं हो पा रही है या बंद हो जाता है चल नहीं पा रहा है, या नौकरी में कोई अड़चन आ जाती है, तो आपने करना क्या है कि आप थोड़े से मूंग के दाने ले लें, मूंग के दाने साबुत लेना, और आपने थोड़ा सा गुड़ की डली ले लेनी है, एक दो ऐसी रख लें, और उसके बाद एक लोटा जल तैयार कर लें, और आप किसी भी शिव मंदिर में प्रदोष काल के टाइम चले जाइए। जाने के बाद आप उस टाइम पे भगवान को जल तो नहीं चढ़ाते हैं संध्या काल पे, लेकिन आप गुड़ और चने एकदम चढ़ा दें शिव भगवान को अपनी मनोकामना करते हुए। उसके बाद पंडित जी से पूछ लेना, अगर वो चढ़ाने देते हैं तो गुड़ और चने चढ़ाने के बाद भी आप एक लोटा जल चढ़ा देना। ऐसा कर देने से आपकी जो मन की इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी और आपका जो भी कार्य अटक जाता है वो कार्य एकदम बनने लग जाता है। तो जो अड़चन आ रही थी आपके काम में वो एकदम अड़चन बंद हो जाएगी। तो ये मूंग के दाने ज़रूर ये करें, और उसमें से जो आपने मूंग के दाने चढ़ाए थे उसमें से एक या दो दाने वो घर ले आए। लाने के बाद एक लाल कपड़े में बांध लें, बांध के आपका जहाँ धन रखते हैं, जहाँ पे आप व्यापार का पैसा ला के रखते हैं, उस जगह पे वो पोटली छोटी सी बनाकर दो मूंग के दाने गांठ लगा के रख दें। ऐसा कर देने से वहाँ पर पैसा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो पैसे से पैसा खींचना शुरू हो जाएगा, जो बरकत नहीं हो रही थी आपके घर में धन लक्ष्मी की वो एकदम बरकत में बदल जाएगा, वो पैसा टिकने लगेगा अगर आपके घर में पैसा रुकता नहीं था तो। अगर आपके घर में व्यापार व्यवसाय में दिक्कत आ रही है या धन आता है लेकिन धन में कमी हो रही है, आपके मन चाह हिसाब से धन नहीं आ पा रहा, तब आपने प्रदोष काल पे करना क्या है। प्रदोष काल पे एक मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं, देसी घी का दीपक लगा के उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें और एक इलायची डाल दें। ऐसा कर देने से मुख्य द्वार पर ये दीपक लगा दें, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रदोष काल पे धरती पे आकर सभी में भ्रमण करती हैं, सभी के घर जाती हैं, और जैसे जिसके मुख्य द्वार पर इस तरीके का देसी घी के दीपक में इलायची डला हुआ अगर रखा होता है दीपक, उस घर में माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं और हमेशा के लिए उस घर में वास करने लग जाती हैं, और उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है। आपके घर में जो पैसा रुक नहीं रहा था, जो पैसे का आगमन नहीं था, वो एकदम धन रुकने लगेगा, बरकत होने लगेगी, आपकी नौकरी व्यवसाय में एकदम तरक्की होने लगेगी। तो इस तरीके का उपाय प्रदोष काल पे जरूर रखें।
जिस बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है या उसका भाग्य कोई दुर्भाग्य हो रहा है, कोई भी काम में अड़चन आती है, दिक्कत होती है, रिश्ते बहुत से आते हैं लेकिन रिश्ते एकदम टूट जाते हैं, चले जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, आपका मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पाता, तब आपने करना क्या है प्रदोष काल के टाइम पे? आप हल्दी ले लें, हल्दी लेके आप जाइए जाके शिवलिंग के जहाँ से जल चढ़ाते हैं, जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है उस जगह पर सात बिंदी, वहाँ पर अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपने वो सात बिंदी वहाँ पर लगा देनी है। लगाने के बाद आप आइए और जब आप अशोक सुंदरी पर सात बिंदी लगाने लगे तभी अपने हाथों की रेखा को, अपनी हथेली को वहाँ पर टच कर देना है, मतलब कि छुआ देना है। छुआने से क्या होगा कि आपका जो भाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा था, आपके रिश्ते नहीं आ रहे थे, आपकी नौकरी नहीं आ रही लग रही थी, या आपका व्यापार नहीं चल रहा था, या आपके घर में बरकत नहीं हो रही थी, ऐसी कोई भी समस्या हो उसी टाइम से ख़त्म होने लगेगी। अशोक सुंदरी माता की कृपा आपके ऊपर रहेगी और साथ ही साथ वो आपसे इतनी पसंद हो के आपका जो भाग्य हो दुर्भाग्य हो रहा था वो एकदम भाग्य की रेखा भी चलनी शुरू हो जाएगी और एकदम आपका बिल्कुल अच्छा किस्मत हो जाएगी। इस तरीके का काम करने से, ये उपाय करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और साथ ही साथ हरि विष्णु भगवान की कृपा भी रहती है, साथ ही साथ महादेव की कृपा भी बनी रहती है। तो ये उपाय प्रदोष काल पर ज़रूर करें। और अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा वो परेशान होता है तो उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए कि जैसे कि गुस्सा आया और कहीं से आए और आके अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, पत्नी को कह दिया या घर परिवार में किसी को कुछ कह दिया, तो इस तरीके के व्यक्ति को करना क्या है कि आप एक बेलपत्र लें, बेलपत्र और एक लोटा जल लें, प्रदोष काल के दिन कर सकते हैं या किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक बेलपत्र और एक लोटा जल जरूर जाकर शिव भगवान पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा चढ़ाने से उसका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से वो व्यक्ति गुस्से के बगैर बात भी करना शुरू कर देगा और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, ग्रह क्लेश जो था वो एकदम खत्म हो जाएगा। यदि आपके घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है और वास्तु दोष बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो पाता, तभी आपने करना क्या है कि आप थोड़ा सा नमक लें, थोड़ा सा नमक एक मतलब मुट्ठी में, और ले जाके किसी भी शनिवार के दिन शिवलिंग पर ले जाकर वो नमक वहाँ पर चढ़ा दें। या तो आप ना भी चढ़ाएं तो क्या करना है, एक नमक की थैली लें, लेकर आपने किसी भी दिन सोमवार के दिन आप ले जाके जो बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं या मंदिर में, आपने एक थैली नमक जाकर वहाँ पर चढ़ा देना है, मतलब दे देना है, दान कर देना है। ऐसा करने से आपके घर का जो भी वास्तु दोष होता है वो एकदम ख़त्म होने लगेगा। तो ये उपाय ज़रूर करें। ये अगर इस उपाय से आपको ज़रा भी फ़ायदा होता है या लाभ मिलता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और ये उपाय करके अपनी ज़िंदगी जीवन में बहुत सा बदलाव लेके आए। आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलती हूँ कुछ खास उपाय के साथ। आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।